और जांजगीर चांपा जिले में पति पत्नी के विश्वास के प्रतीक का पर्व करवा चौथ आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। महिलाएं करवा चौथ पर अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखा और शाम ढलते ही चंद्रमा के निकलने का इंतजार का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान पति की दीर्घायु की कामना को लेकर भगवान गौरी गणपति और चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से की गई। जांजगीर चांपा जिले में पति पत्नी के विश्वास के प्रतीक का पर्व करवा चौथ आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। महिलाएं करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखी और शाम ढलते ही चंद्रमा के निकलने का इंतजार का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान पति के दीर्घायु की कामना लेकर भगवान गौरा गौरी गणपति एवं चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से की गई। इस दौरान हर सुहागन के द्वारा विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए इस त्योहार को महत्व को बखूबी समझा जा सकता है। पतियों की दीर्घायु की कामना को लेकर सदियों से चली आ रही करवा चौथ की परंपरा के विषय में महिलाओं ने बताया कि पति के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना के लिए यह व्रत पूरे भारतवर्ष में सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन चौथ के दिन मनाया जाता है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में पति के दीर्घायु जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, उन्हें दीर्घायु और निरोग बनाने के लिए इस व्रत को संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से और बड़े ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने के लिए एक सप्ताह पूर्व से ही सभी महिलाएं तैयारी में लग जाती हैं। इसके लिए चांद की पूजा करते हैं हम, और चांद की पूजा करने के पश्चात अपना अपना व्रत तोड़ते हैं। इसमें चांद की और विशेष रूप से गणेश जी की पूजा होती है, माँ तुलसी की पूजा करते हैं और करवा माता की पूजा करते हैं। अभी हम लोग करवा माता की पूजा कर रहे हैं। आज करवा चौथ है और आज के दिन भगवान गणेश जी और माँ करवा की बहुत अच्छे से हम लोग धूमधाम से पूजा करते हैं। पति की अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए आज के दिन हम लोग पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर धूमधाम से पूरे श्रृंगार करके 16 श्रृंगार में सबसे पूजा करते हैं। जांजगीर से उमेश जायसवाल की रिपोर्ट, एशियन।